नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 16 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले छोटे से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बेसिकली जो हमारा फोकस है वो खासकर दो एग्जाम पर ज्यादा है। एक आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है और दूसरा जो एग्जाम है आपका वो है आरओ। और इसके अलावा अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां के लिए भी दरअसल ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के दरअसल ये डेली जो करंट अफेयर्स हमारा कराया जाता है वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग बिना देरी के इसके सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले एक सूचना जो कि मेरे द्वारा डेली आपको दी जाती है, यानी कि अगर आपका फोकस आरओ पर है, यानी कि यूपीपीसीएस आरओ पर है, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम ने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, 7000 प्रश्नों का डिटेल्स आपको कराया जाएगा, यानी कि पूरे पाठ्यक्रम का एक तरीके से सिलेबस कराया जाएगा इन 7000 प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, जो बदलता हुआ ट्रेंड है आयोग का, उस बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा ट्रेंड को पकड़ना, पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पुराने ढर्रे पर अगर आप चलोगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी कि एग्जाम्स में प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से है, किस प्रकार ये बदल रहे हैं, ये आपके लिए जानना क्या है बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आपको प्रश्नों को क्या किया जाएगा, रेडी कराया जा रहा है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 3 times आपको क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल होगी अभी टेस्ट की, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ में 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे जिसमें 3000 तक के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके कैसे होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर आप अभ्यर्थी चाहे हिंदी के होंगे माध्यम के होंगे या इंग्लिश माध्यम के होंगे, आपके लिए यह प्रोग्राम क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार प्रश्नों से नहीं गुजरेंगे, तब तक जो है आप ठीक ढंग से इन सभी चीजों को नहीं कर पाएंगे। ये तो जो है आपको विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप जो है इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा, क्या आपको टाइप करना होगा, वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको संस्थान के नंबर पर आपको भेजना होगा। नंबर क्या है व्हाट्सएप का, नंबर है आपके सामने 9506742546, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर, राइट। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और इससे कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना जो है लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग क्या काम करिए, उसके पहले अपनी आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए या फिर सामने जो है कॉपी और पेन रखिए। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं, आप जो है आपके मन में जो है प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, या फिर तुरंत आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, और देखिए कि कल जो आपने पढ़ा था क्या आज आपको याद है या नहीं याद है, राइट। चलिए, और मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूं, मैंने कई बार आपको समझाया है कि रिवीजन दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। हर हाल में आप जो है डेली रिवीजन करिए, या फिर इसके अलावा वीकली जो है सैटरडे या संडे या फिर 2 दिन आप रिवीजन के लिए जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि आपने एक बार पढ़ा फिर आपने रिवीजन नहीं किया, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे, प्रश्न तो सभी आपको लगेंगे कि आपने पढ़ाई की है, सही पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे और आए हुए प्रश्नों को, यानी कि अगर आप उस पर मेहनत करते तो आप प्रश्नों को सही कर ले जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ना कर पाने की वजह से आप प्रश्नों को गलत करके चले जाओगे वहां पर। तो यह बात मेरी विशेष तौर पर आपको याद रखनी है, ओके, कि रिवीजन करना है हर हाल में। चलिए, क्वेश्चन क्या था लास्ट में कल, कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, और आसियान के बारे में कल हमने आपसे कहा था कि डिटेल्स में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी स्थापना वर्ष से लेकर के क्या उन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं और क्या कुछ इसका उद्देश्य है ओवरऑल, ठीक है। तो इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन बेसिकली कहां पर हो रहा है,
तो ये हो रहा है आपका लाओस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए राजदूत के रूप में किसने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है, तो वो किया है संजीव कुमार सिंगला ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रतन टाटा को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था वर्ष 2000 में, और पद्म विभूषण कब दिया गया था 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संगठन को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, किस देश के संगठन को, तो वो दिया गया था जापान का एक संगठन था, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में राफेल नाडेल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की भैया, तो वो खेल कौन सा है, वो खेल है आपका टेनिस का, यानी कि जो राफेल नाडेल थे वो बेसिकली क्या थे, टेनिस खिलाड़ी थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दरअसल जो है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और मैंने क्या आपको कहा था कि बालिकाओं से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी एप्लीकेशन होती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो बालिकाओं से संबंधित जो भी मुद्दा होगा आपके नॉलेज में, मैगजीन में, करंट में, उनको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि कई बार नेटिव मैरिज एक्ट पर पूछ लेता है क्वेश्चन, सती प्रथा पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन और जो आपके नए क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि डायनेमिक और स्टैटिक दोनों क्वेश्चन दरअसल आपको रेडी कर लेने हैं महिलाओं से संबंधित। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस स्थान पर भैया आ गया है, तो वो स्थान कौन सा है, चौथा स्थान पर है। प्रथम तीन स्थान भी हमने आपको कल बताए थे, जरा मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि प्रथम तीन देश कौन से हैं, और जो ये विदेशी मुद्रा है यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसको मैनेज करने का काम भारत में कौन करता है, तो उसको मैनेज करने का काम दरअसल आरबीआई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, राइट। चलिए आगे, तो और इसके अलावा कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइए अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कैसा होता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कृत्रिम पारितंत्र, यानी कि कृत्रिम पारितंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनता है, जलीय तंत्र बिल्कुल नहीं होगा, अंतरिक्ष पारितंत्र इसको नहीं बोलेंगे हम, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम इसको बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा या जो है प्राकृतिक होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। इसलिए नहीं, ये सब अलग टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं रहती है, यानी कि जो एक तरीके से टर्मिनोलॉजी नहीं यूज की जाती है, तो कृत्रिम पारितंत्र होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ना अंतरिक्ष पारितंत्र होगा ना स्वनियंत्रित होगा, ठीक है, स्वनियंत्रित भी नहीं होगा इसमें, यह भी आपको विशेष आपको लग रहा होगा कि यह होगा, लेकिन नहीं, पूछा है कि कौन सा परितंत्र है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, इसलिए इसका उत्तर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। जैसे कि अब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है, आपका जो एक्वेरियम होता है वो भी आता है ना, जो आप लोग फिशेस जो के रखते हो ना वो एक्वेरियम होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसको आप लोग डेवलप करते हो, राइट। चलिए दूसरी बात, पारिस्थितिक तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को, अगर आप सोचे कि आप कंट्रोल कर पाएंगे, ना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी गलत है। अब आपने सोचा कि एक्वेरियम को आपने बनाया और आप उसे कंट्रोल कर ले जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ आप उसमें कुछ सिस्टम लगाएंगे ना, ऑक्सीजन लगाएंगे उसमें, बाकी कुछ खाद्य पदार्थ रखेंगे, लेकिन जो आंतरिक जो गतिविधियां होती हैं वो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो आंतरिक गतिविधियां उन जीवों के माध्यम से होती है। आपको लगेगा कि आप जो है कंट्रोल कर पाओगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसको एक अच्छे उदाहरण से आप समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप खाना बनाते हो, आप क्या उत्तर दोगे, आपका भोजन कौन बनाता है, आप कहोगे मैं खुद बनाता हूं, यह गलत हो गया। आप अपना भोजन बनाते नहीं हो, आपका भोजन कौन बनाता है, आप भोजन कहां से प्राप्त करते हो, पेड़ पौधों से, फसलों से, ठीक है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो, यानी कि पेड़ पौधे आपका भोजन बनाते हैं, आप भोजन नहीं बनाते हो, आप भोजन क्या करते हो, पकाते हो, क्या करते हो, पकाते हो। ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होते हैं उसको आप जनरेट करते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल करना नेचुरल प्रोसेस होती है, आप उसको सिर्फ फॉर्मेट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा उसको आप जनरेट करेंगे, आप उसको बनाओगे, यानी कि आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, ठीक है, नियंत्रण का कार्य प्राकृतिक होगा, राइट। चलिए तो बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, तो कंफ्यूज है ना, एक कमेंट आया था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए
कुल कितने दिवस की यात्रा पर गए हैं? तो पहला तो इसी प्रश्न में एक उत्तर बहुत अच्छा छिपा हुआ है, वो क्या कि जो सेना प्रमुख है कौन है, तो आप कहेंगे उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक प्रश्न में ही एक आपका उत्तर छिपा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुल कितने देशों की यात्रा पर है अभी अक्टूबर माह में, तो ये चार देशों की यात्रा पर है भाई साहब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत और जापान के बीच, यहां किस देश के बीच, भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर जापान क्या हो गए हैं, रवाना हो गए हैं। कब से कब तक भैया? ये हुए हैं 14 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के बीच मजबूत सैन्य को क्या करना, बढ़ावा देना। और आपको पता होगा कि भारत और जापान के संबंध कैसे हैं, अच्छे रहे हैं काफी टाइम से, राह देखिएगा, ठीक है। चलो, और जापान को लेकर के अभी हाल ही में क्या हुआ है, जापान के एक संगठन को क्या हुआ है, शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। वो संगठन कौन सा है भाई साहब, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो हो सके तो आप कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा कि उस संगठन का नाम बेसिकली क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अल्जीरिया की राजधानी क्या भैया? अल्जीयर्स, त्लेमसेन, यूनाका, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो शायद आपको यही लग रहा होगा, तो बिल्कुल सही भी बात है, इसका उत्तर यही है, ए ऑप्शन, अल्जीयर्स। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये चर्चाओं में क्यों है, तो चर्चाओं में इसलिए है कि अभी क्या हुआ है, अक्टूबर माह में राष्ट्रपति कौन है आपके, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अल्जीरिया की यात्रा के कारण, इसके अलावा कई अन्य देशों की और यात्रा पर है, ठीक है, जिसमें से क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया जाएंगी, और इसके अलावा आखिरी चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी के दौरे पर भी रहेंगी। ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है। और अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो, भारत किस वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप, जो निशानेबाजी वाला होगा, ठीक है, इसकी मेजबानी किस वर्ष करेगा विश्व कप की, ठीक है, बताइए आप लोग, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में, जल्दी जल्दी बताइए भैया इसकी मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा वर्ष 2025 में, यानी कि अगले ही वर्ष करेगा, ठीक है, 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, भारत 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है पॉइंट आपके लिए, ठीक। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के जो अध्यक्ष है कौन है, लुसियानो रोसी। अब ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि बताइए जो है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, आप तुरंत उत्तर देंगे लुसियानो रोसी। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ही इसकी दरअसल क्या की है, पुष्टि की है कि भारत 2025 में मेजबानी इसकी करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है भैया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ का, यह कहां पर है, यह है म्यूनिख जर्मनी में है इसका मुख्यालय। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, जानना थोड़ा सा जरूरी है। नए प्रकार का प्रश्न है, चूंकि विश्व कप अगले साल हो रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, नो डाउन कर लीजिएगा, और इसके आगे क्या लगा लीजिएगा, इस प्रश्न के आगे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अमेरिका भारत, क्या अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर, जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि कब किया गया इसका आयोजन। तो यह किया गया भैया जो है सी ऑप्शन, यानी कि 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर को, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, तो अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 अक्टूबर को किया गया, याद रखिएगा। कहां पर हुआ आयोजन, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में दरअसल इसका आयोजन किया गया, ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। उद्देश्य क्या भैया, उद्देश्य है द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सेमी कंडक्टर निवेश। देखो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस बार सेमी कंडक्टर चर्चाओं में रहा है, सेमी कंडक्टर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में डैम श्योर है कि पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा, मेंस में ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम पूछा सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सेमीकंडक्टर आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ये आपका टास्क भी, अगर आपने नहीं रेडी किया होगा तो इसको कर लीजिएगा। और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाना है, यानी कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट हो रही है उनके बारे में, उनके चीजों के बारे में क्या करना है, बढ़ावा देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है,
अंतर संसदीय संघ की, क्या अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? जेनेवा में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर पेरिस में? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका आयोजन भैया क्या कहां किया गया? जेनेवा में किया गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखिए व्याख्या क्या है, सेम वही पॉइंट कि अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन बेसिकली जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और पार्टिसिपेट कौन कर रहा है भैया, याद रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि इस प्रोग्राम में, इस बैठक में पार्टिसिपेशन किसकी तरफ से किया गया? तो सिंपल सी बात है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में संसदीय सिस्टम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसको आज नहीं, कल हो चुका है, ठीक है, इसको आज हटा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अंतर संसदीय संघ में 180 सांसद हैं, 15 एसोसिएट सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में चीन आते हैं, भारत, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के अतिरिक्त, ठीक है, और कौन कौन से देश होंगे, कार्बो वेर्दे, सैन मैरिनो और पलाव जैसे छोटे देश भी इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं बेसिकली कि ये वर्ष में बेसिकली क्या होता है, दो बार मनाया जाता है, क्या ये दो बार मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कब कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है एक बार मई, एक बार मनाया जाएगा कब, ये मई में, और एक बार मनाया जाएगा अक्टूबर में। मई में कब, सेकेंड सैटरडे, क्या सेकेंड सैटरडे, और अक्टूबर में भी सेकेंड सैटरडे। तो अक्टूबर में जो सेकेंड सैटरडे पड़ा वो पड़ा 12 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, क्या ए, ठीक है। तो 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर में 12 अक्टूबर को, और मई में दरअसल 11 मई को पड़ा था ये, ठीक है, सेकेंड सैटरडे। तो मई में 11 मई और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को, ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखा होगा 2024 में यह दिवस 11 मई को और 12 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि सेकेंड अक्टूबर दरअसल इन्हीं तिथियों में पड़ा था, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। यह प्रतिवर्ष मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं थीम की, थीम क्या है, तो थीम है इसकी इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स, क्या इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। अब एक शब्द आ गया इंसेक्ट, तो एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्ट को किल करती है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, दो टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि दरअसल ये जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आती हैं, इनके उपयोग से किस प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था पर या कृषि पर इसका क्या कुछ दुष्परिणाम पड़ता है या इसका क्या कुछ फायदा पड़ता है, समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। तो आज आपका टॉपिक है, टास्क का, टास्क नंबर वन है आपका, कि भैया आप लोग क्या करिएगा, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, क्या जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं इन पर, और इन पर क्या करिए, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। पेस्टिसाइड्स पर अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाइएगा, डिटेल्स में इसको लिख लीजिएगा, इसके बारे में मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विश्व अर्थराइटिस दिवस। अर्थराइटिस डिजीज के बारे में आप लोग अक्सर सुने होंगे, हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई अर्थराइटिस से पीड़ित हो। अर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ों का दर्द होता है, खासकर घुटने और कूल्हे का पेन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर जोड़ों में जॉइंट्स जो आपके होते हैं वहां पर पेन होने लगता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है और पेन होता है बहुत ज्यादा अर्थराइटिस में, ठीक है। तो ये विश्व अर्थराइटिस डे, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर। जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर। विश्व अर्थराइटिस दिवस ये मनाया जाता है भैया आपका सी नंबर ऑप्शन, क्या सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 12 अक्टूबर को, कब 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है, और 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है, अक्टूबर माह में 2024 में, ओके, ठीक है। चलो तो विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को, यानी कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जोड़ों के दर्द संबंधी एक प्रकार की बीमारी आप लोग जानते होंगे, जोड़ों का दर्द जिसे हम क्या बोलते हैं, आम बोलचाल भाषा में इसे गठिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गठिया का दर्द, ठीक है। तो गठिया एक आम लक्षण है जो कि सामान्य तौर पर जोड़ों को सहारा देने वाले कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करता है, जॉइंट्स को सपोर्ट करता है कार्टिलेज, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इसका ऑपरेशन भी कई बार किया जाता है, ठीक है। तो जोड़ों को सहारा देने वाले कार्टिलेज की सूजन गिरावट के कारण होता है, और आपको बता दूं अगर इस बीमारी से अगर आपको दूर रहना है कि कल को आपके कार्टिलेज में
कोई पेन ना हो, इसके लिए आप लोग व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। योग और प्राणायाम आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम सुबह जो है उठने की हैबिट डालिए, दौड़िए। आजकल क्या हो रहा है, आप जैसे ही आप गेट से निकले, आपके सामने कार या बाइक होती है, आपने बाइक स्टार्ट किया, कार स्टार्ट किया, तुरंत चले गए ऑफिस। ऑफिस में आपने गेट पर जो है या जहां भी पार्किंग होगी वहां पर आपने गाड़ी को पार्क किया, तुरंत फिर ऑफिस में चले गए, बैठे रहे वहां से फिर चले आए। कहीं सब्जी लाना होता है, कहीं कुछ बाहर जाना होता है, तो भी आप स्कूटी अपनी कार उठा के जाते हैं। यानी कि पैदल आप ना के बराबर चलते हो, जहां पर हम लोग पहले बहुत दूरी जो है पैदल ही चलते थे, इस समय आप लोग पैदल बिल्कुल नहीं चलते हो। ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है आपके सामने आ रही है। और इसके अलावा जो आपका खान पीन है, यानी कि जो आप भोजन ग्रहण करते हो, वो भी कहीं ना कहीं अर्थराइटिस को बढ़ाने में योगदान देता है। तो इसलिए शुद्ध खाना खाइए। मैं आज ही की बात बता रहा हूं, मैं एक शॉप पे था, मैं चाय पी रहा था, और चाय की शॉप कुछ इस प्रकार से थी। मैं बताता हूं कि किस तरीके से क्या होता है, आप लोग क्या खाते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चाय की शॉप थी, ठीक, चाय की शॉप में डेयरी थी, यहां पे डेयरी थी, और यहां पर मैं चाय पी रहा था। यहां पर क्या पूरा पड़ता है, बहुत जंगल है, पूरा जंगल, बहुत कूड़ा कबाड़ा बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेन रोड थी। यहां पर पनीर की शॉप है, ये पनीर की शॉप है, जहां पर डेयरी खुली हुई है, पनीर मिलता है, ये चाय की शॉप है, ठीक है। यहां पर मैं बैठा हुआ था इस जगह पर, ये थोड़ा सा स्पेस है, यहां पर पूरा कूड़ा कबाड़ा, यहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा बिखरा हुआ था। यहीं पर जहां पर बहुत कूड़ा पड़ा था, मतलब शायद लोग वहां पर वॉशरूम भी जाते रहे होंगे मुझे लगता है, ठीक है। इतनी गंद, इस जगह बहुत गंदगी थी, मतलब मक्खी भिन 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 भिना रही थी। और इसी जगह पर एक जो है लकड़ी का पटरा था, यहीं पर रखा हुआ था, और यहीं पर पनीर रखी हुई थी, कपड़े से ढकी हुई थी यहीं पर। और इसने यहां पर क्या लगा रखा था, पर्दा लगा रखा था यहां पर, ताकि यहां दिखने ना पाए। यहां पर पनीर की कटिंग हो रही थी, इतनी गंदा वो स्पेस था उस जगह का, इतना गंदा था, मतलब एक बार अगर आप उसको देख लोगे तो मुझे नहीं लगता जीवन में फिर कभी आप कहोगे कि मैं पनीर खाऊंगा या खाऊंगी, इतना गंदी जगह पर होता। मैंने तुरंत मैं चाय पी के मैंने उसको गया डाटा, मैंने इसको डांट लगाया, मैंने कहा तुम यार जानवर को खिला रहे हो क्या, मैंने उसको डांटा। और मैंने कहा कि आइंदा से इस जगह पर इस प्रकार से पनीर नहीं काटनी है, मैंने उसको समझाया, डांटा भी समझाया भी, ठीक है। तो चाहता कंप्लेन कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, रोजी रोटी की बात थी, समझा के मैंने उसको छोड़ दिया। आप सोचो कि आप क्या खा रहे हो, ऐसी चीजें अगर आप खाओगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनीर बहुत पौष्टिक होता है, भाई साहब बहुत हानिकारक हो जाएगा, पौष्टिक नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस प्रकार की होती हैं। इसलिए बाहर के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चाट टिक्की पकौड़ा समोसा, कम से कम खाने की कोशिश करिए कि घर में अगर आप उसे बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसा भी बन पाए वैसा बनाइए। लेकिन बाहर की जो हम चीजें खाते हैं कहीं ना कहीं बहुत गंदा होता है, और यही विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, चाहे वो हार्ट अटैक से लेकर के अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती वो सब इन्हीं का क्या है, परिणाम होती है, ठीक है। तो बचिएगा आप लोग प्लीज इससे। ये आज सुबह की घटना है, ठीक है, जो मैं आपको क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, आज की मतलब कल सुबह की घटना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके सामने बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 1996 में यानी कि 1996 में अर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल यानी कि ARI द्वारा विश्व अर्थराइटिस दिवस की स्थापना की गई थी। कब, यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो 1996 यानी कि 1996 में। थीम क्या है 2024 की भैया, तो थीम है सूचित विकल्प बेहतर क्या परिणाम, सूचित विकल्प और बेहतर परिणाम, यह है इस वर्ष की क्या है थीम है, अंतरराष्ट्रीय अर्थराइटिस दिवस यानी कि विश्व अर्थराइटिस दिवस की, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSA की मेजबानी भारत कर रहा है, ठीक। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है यह आपको बताना है, ठीक है। तो नई दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। तो दरअसल इसकी मेजबानी दरअसल क्या कर रहा है, भारत कर रहा है। तो फिर अगर भारत कर रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि दरअसल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नई दिल्ली होगा। और कई बार मैंने आपको समझाया है कि अगर इस प्रकार के प्रश्नों में अगर कहीं कंफ्यूजन आपको हुआ करे, और अगर ऑप्शन दिल्ली रहा करे, और अगर आपको इस ऐसे प्रश्नों में अगर आपको रिस्क लेना रहा करे, तो आप नई दिल्ली वाले पॉइंट को क्या करिएगा, टिक लगा दिया करिएगा, उत्तर लगभग सही जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या क्या है, सेम वही है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि WTS की मेजबानी भारत कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में यानी दिल्ली में किया जा रहा है, भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, इसलिए भैया यह भी पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, पूछ लेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आप तुरंत उत्तर देंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, राइट। चलिए आगे बढ़िए,
अब आज आपके लिए प्रश्न है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है। बहुत बार यह प्रश्न आपके एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बताना है केरल में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। जल्दी जल्दी मुझे इसका कमेंट करके उत्तर बताइए कि पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, ये कहां पर अवस्थित है। जल्दी से मुझे कमेंट बताइए करके बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट्स ज्यादा ज्यादा करेंगे, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर आप लोग दिया करिए, हो सकता है यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ ले। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप उत्तर दोगे तो दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाएंगी, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब आज आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, ठीक है, एथिक्स का यही प्रश्न है, एथिक्स का, ठीक है, कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो करप्शन होता है को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि प्रशासनिक जो करप्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो करप्शन होता है, उसको सुधारने के लिए सरकार ने कौन कौन से जो है प्रोग्राम चलाए हैं या कौन कौन से प्रावधान किए हैं, उन सभी प्रावधानों पर आपको क्या करना है, अपना लेख लिखना है, अर्थात अपनी जो है चीजों को वहां पर मेंशन करना है। तो आप इसको डिटेल्स में लिखिएगा, 200 शब्दों में आपको इसको लिखना है, कितना, 200 वर्ड्स में लिखिएगा। इसकी कॉपी अगर आपने प्रश्न उत्तर की नहीं बनाई है तो भाई साहब आप लोग बना लीजिएगा, अगर आपको लक्ष्य अगर आपका स्टेट पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का है, तो नहीं लक्ष्य होगा तब तो बैठे रहिए, आपको मंडुक जैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आइए जाइए पढ़ के निकल जाइए, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में लक्ष्य है तो आप कम से कम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे जरूर किया करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में जो है लाइक करने के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।